और बिनर्म हाथ जोड़कर दिल्ली सरकार से अपील करें, एक डॉक्टर होने के नाते आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? कुलविंदर कौर है, मैं RCS से बिलोंग करती हूँ, ANM हूँ मैं। मेरे को आज पूरे कौर जी, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार जब स्ट्राइक करती है और दिल्ली सरकार पर या जो और सरकार चल रही है उन पर से भरोसा उड़ चुका है, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि हम बरवली जवाब देंगे, आज सभी लोग रिटर्न में मांगते हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इनकी मंशा नहीं है कि ये जितना स्टाफ काम कर रहा है, अगर ईमानदारी से ये स्टाफ काम कर रहा है तो इनको ईमानदारी के साथ इनको जो इनकी पे होनी चाहिए, सेम वर्क होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं हम लोग परमानेंट स्टाफ के साथ बात के बैठ के काम करते हैं। परमानेंट के स्टाफ के साथ काम करने के सिवा हम लोगों से डबल काम करवाया जाता है और उतनी हमें तनख्वाह नहीं दी जाती जितना हमसे ये लोग काम करवाते हैं। अगर इनके मनसा हो कि इन्होंने हमने INCH NHM RCH वालों के स्टाफ को पूरी तनख्वाह देनी है तो इनको एक मिनट लगता है कि इनको तो फ़ोनों में बात होने से काम चल जाता है, पर इन लोगों की तो आगे जो फाइलें रख के बैठते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इतना हमारे जो इतना ये NHM RCH का प्रोग्राम है, बहुत ही इनके पास इतना फंड आता है, अगर ये हमें दें तो एक सेकंड लगता है, पर इन लोगों की पता नहीं समझ में नहीं आती है। जब भी हम लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठते हैं हमें सिर्फ एक ये लॉलीपॉप की तरह दे के और हमें उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार ही हम सब ने ये बिल्कुल ठाना हुआ है कि जब तक हमारा सेम वर्क सेम पे नहीं हो जाएगा, वैसे तो ये लोग सब कहते रहे हैं, हमारे मोदी साहब जी कहते हैं कि लड़की बचाओ लड़की बचाओ लड़की बचाओ, अगर यहाँ पे हम सारी औरतें हैं, अगर इनको थोड़ा भी ध्यान हो, ये औरतें जो हैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हुई हैं, कोई ANC भी है, ये आप देखिए कितनी सारी लेडीज़ हैं हमारे साथ, ये इनका क्या दिल नहीं करता है, इनके बाल बच्चे नहीं हैं, इनके घर बार नहीं है क्या, सबकी हैं, कोई ANC मदर है, कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, सबके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। हर समय तो ये नारी बचाओ का ये हमेशा जहाँ भी देखो हर समय ये हर जगह स्लोगन लगाया होता है कि नारी बचाओ, ये सारी नारियाँ कहाँ बैठी हुई हैं, सड़कों पे आके बैठी हैं। हमारे जो मोदी साहब हैं, हमारे CM साहब हैं, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, सबको सोचना चाहिए इन नारी के बारे में कि इनका भी हक है, इनको हक पूरा दिलवाना चाहिए।